एक मिनट सर, सर आज जो प्रोग्राम किया गया है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? शिवाजी महाराज की आज जयंती है और आज ब्रह्मलीन हुए जिन्होंने इस समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास किए और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया बंजारा समाज के लिए भी और देश के लिए। ऐसे संत सेवालाल जी महाराज की हम 285वीं जयंती मना रहे हैं। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने का संकल्प मिलता है। उनका जीवन हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उस समय व्यक्तित्व विकास के साथ साथ किस तरीके से आयुर्वेद पर काम किया, जड़ी बूटियों पे काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम किया और उसके साथ साथ उन्होंने दूर दराज के बंजारे समाज के लोगों को एक साथ आध्यात्मिक और उस समय जब भयंकर सामाजिक कुरीतियां थी उस समय उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके और एक शिक्षित संस्कारित समाज बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है मैं जब भी बंजारा समाज के बीच में आता हूं क्योंकि मैंने उनके जीवन को देखा, उनके रहन सहन को देखा है, उनकी जिंदगियों को देखा है और एक ऐसा समाज जिन्होंने राजाओं के राज के अंदर देश और धर्म को बचाने के लिए लड़ाई ली, जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, लड़ाई में हार गए तो जंगलों में चले गए, लेकिन इस देश को बचाने के लिए राष्ट्र को बचाने के लिए धर्म को बचाने के लिए वो राजा के साथ खड़े रहे और राजाओं के राज के बाद आजादी की लड़ाई का अगर इतिहास आप देखें तो आजादी की लड़ाई के अंदर बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, लंबे संघर्ष किया, न झुके न टूटे, देश आजाद होना चाहिए इसकी लड़ाई में, और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में मैं देखता हूं तो लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र के सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक अच्छा शासन आए, बेहतर शासन आए, उसके लिए बंजारा समाज हमेशा सक्रिय रहा। मुझे तो
विधायक के रूप में, सांसद के रूप में मुझे जनपति बनाने में बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान। और मैं उनके टांडा में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनका जीवन संघर्ष पर जीवन है। जो जंगल हम देख रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने का काम हम देख रहे हैं, अगर जंगल और प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो बंजारा समाज का है। तो दूर दराज के जंगलों में रहे, कठिन परिश्रम, कठिन जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन वहां की प्रकृति, वहां का सौंदर्य, वहां के जंगल को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित किया। और बंजारा समाज के जीवन में अद्भुत अलग 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 दृष्टांत है, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि देश के बंजारा समाज की बोली एक है। वेशभूषा प्रमुख वेश एक है, खान पान एक है। ये मैंने बंजारा समाज ही एक ऐसा है जिसके अंदर ये विविधता के अंदर भी एकता देखी। अब बंजारा समाज के अंदर एक नई युग की शुरुआत होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बंजारा समाज के अंदर एक शिक्षित संस्कारित पीढ़ी को तैयार करने का काम करें। हमारे बीच में उमेश जाधव जी बैठे हैं। अभी लोकसभा के अंदर एक प्रश्न था, उन्होंने किस समय बंजारा समाज के जीवन दर्शन और अलग अलग उनके रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में सवाल उठाया। प्रश्नकाल, लेकिन सवाल लंबा कर रहे थे, मैंने कहा भी सही है प्रश्नकाल है, लेकिन उन्होंने पूरा बंजारा समाज किस तरीके से, किन कठिन परिश्रम में से गुजरता है, कितना उनका संघर्ष है, सही बताया मुझे नायक जी ने। मेरे यहाँ के बंजारा समाज के लोग बंबई में जाकर कंबल बेचने का काम करते। एक दुर्घटना हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं उनके गांव में गया, टांडे में गया बैठा, और मैंने सबको कहा कि देश में कोई भी ऐसा संकट आ जाए तो संकट के समय में आपके पास बंजारा समाज के साथ में हमेशा खड़ा हूं। आपके संघर्ष के जीवन को मैंने देखा है, एक ऐसा ईमानदार समाज जो कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है, अभाव में रहता है, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। और इसीलिए बंजारा समाज आने वाले समय के अंदर जो मेहनत का समाज है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को हमने शिक्षित किया, संस्कारित किया, एक व्यापक अभियान चलाया समाज में, जो भी हमारी बेटी पैदा होगी उसको हम शिक्षित करेंगे, चाहे कितना भी कठिनाई से दौर से गुजरना पड़े, तो एक संस्कारित पीढ़ी तैयार हो। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में नया बदलाव किया है, सबसे अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को उन्होंने समर्पण किया है, ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में इस समाज को नए संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें उन सामाजिक कुर्तियों को समाप्त करना है जो अभी भी कुछ बची हुई है। संत सेवालाल जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, संत रूप सिंह जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, लक्की शाह बंजारा ने अपना जीवन दे दिया, और आज हमारे बीच में
कई संत बैठे हैं, सिद्धिलिंग का स्वामी जी महाराज, सरदार सेवालाल जी महाराज, कई संतों को मैं प्रणाम करता हूं जो आज समाज के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए लगे हुए हैं। ये समय देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय है और इसीलिए मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय जी ने बंजारों की देवी पोरा देवी में संत सेवालाल महाराज की पुण्य समाधि स्थल को आपने देखा। 700 करोड़ की अधिक लागत से इस आध्यात्मिक और पावन भूमि पर लोग श्रद्धा से आए, देवी मां का आशीर्वाद ने संत सेवालाल जी के जीवन से प्रेरणा ले और इसीलिए अभी संजय राठौड़ जी के मित्र भी हैं, हमारे भी मित्र हैं, शंकर पवार जी, उनकी जीवन पे उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब हर नौजवान को प्रेरणा देगी किस तरीके से तेलंगाना से चले कठिन परिस्थितियों के अंदर चाय बेची, कठिन परिस्थितियों जीवन गुजारा और आज एक नया आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करने के युग को छोड़ा। बंजारा समाज तो ऐसे मेहनती है, सारे देश में घूमने वाला है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक और बंजारा समाज की कई सांस्कृतिक धरोहर ने देश और विदेश में भारत का नाम किया है। इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हमारा जीवन कठिन परिश्रम से गुजरने वाला जीवन है। हमारे दादा दादी पिताजियों ने कठिन परिश्रम के जीवन को आपने देखा। अब समय आ गया बदलाव का। शिक्षा समाज में बदलाव करती, जीवन में बदलाव करती, समाज व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े, हम हमारे नौजवानों को टेक्नोलॉजी की नई शिक्षा दें, बदलते युग के अनुसार शिक्षा दें और एक ऐसे शिक्षित समाज की ओर बढ़े कि समाज के हजारों बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो पीढ़ी आगे पढ़ेगी। मुझे याद है कि आप अभी भी जिन टांडों में रहते हैं दूर तक स्कूल नहीं होता। एक दिन मैं उमेश जी तो मेरे इलाके में आए, मैं जब माइंस के इलाके में गया तो 25-30 महिलाएं और बच्चे छोटे आए और उन्होंने अपने जीवन बताया कि हम इन टांडों में रहते हैं, स्कूल हमारे से 4-5 किलोमीटर दूर है, बच्चे को कैसे स्कूल दे। मैंने उस दिन तय किया कि ऐसे टांडे में जहां भी आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोलेंगे, इस समाज को शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके जीवन को बदलने का काम करेंगे। ये सब समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी, उन ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है। बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन नेतृत्व में क्षमता होती तो बदलाव आता ही आता है। और एक पीढ़ी चली जाएगी, दो पीढ़ी चल जाएगी, लेकिन जिसने समाज को बदलाव लाया उस पीढ़ी को हमेशा याद रखेगी। इसलिए संतों के साथ सामाजिक राजनीतिक नेताओं से मेरा आग्रह है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, जो कुछ आपने बातें बताई वो मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके मंत्री जी महाराष्ट्र में रहते रहते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देश में आपकी भावनाओं को हमेशा बता देते हैं। उमेश जी पार्लियामेंट में कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं जब आपकी कठिनाई, आपकी अभाव, आपकी चिंताओं को संसद में नहीं रखते।
निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समाज में एक व्यापक बदलाव करेंगे। आध्यात्मिक धार्मिक मानने वाला है समाज, संस्कृति को मानने वाला है समाज, अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश को अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, मिलकर काम करना। और इसी ध्येय के साथ हम सब आज संत सेवालाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, संत रूप सिंह जी महाराज को प्रणाम करते हैं, लक्की शाह बंजारा जी को जिन्होंने, रामराव जी महाराज जी को, सभी संतों को प्रणाम करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। देश में कहीं भी कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, आपकी भावनाओं को राज्य स्तर पर भी, केंद्र स्तर पर भी पहुंचाने का काम करता रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। का नाम लड़किया मुड़े ज्योतिलाल चौहान, 705 रैंक से आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी फाइव, ये उनको सम्मान करना। दूसरा है कुमारी वैष्णवी राठौर, 700 रैंक आउट ऑफ 22, महाराष्ट्र के स्टेट। यल मधु बालाजी चौहान, तेलंगाना के, 695 मार्क्स ऑफ 750। ये बंजारा, ये जीत तुम्बला प्राइड ऑफ बंजारा सर, इसको इनको देखकर सारे बंजारा हिंदुस्तान के बंजारा लोगों को जीत तुम्बला रोल मॉडल, रोल मॉडल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग MBBS इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, टांडा में पैदा होकर महाराष्ट्र के, तेलंगाना के और आंध्र के, ये तीन स्टूडेंट आज हमारे बंजार के किसान बने हैं सर। आपका जो एजुकेशन के बारे में, तांडे के बारे में, ऑल फाइव स्टार्स, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका मनोबल। इससे आई थिंक इन तीनों ही हमारे स्टार से बाकी के बंजारा समाज के जितने भी बच्चे हैं।